हिमाचल शिक्षा विभाग में जल्द 5,200 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इस बार भर्ती के लिए सरकार नया तरीका अपना सकती है और एक ही साथ सभी शिक्षकों को भर्ती की जाने की तैयारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग की तरफ से एक अहम फैसला, बड़ा फैसला लिया गया है। जल्द ही 5,200 शिक्षकों की भर्ती हिमाचल शिक्षा विभाग करने वाला है। इसकी रूपरेखा रोड मैप की तैयारी भी की जा चुकी है। इस बार भर्ती के लिए सरकार नया तरीका भी अपना सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और एक ही साथ सभी शिक्षकों को भर्ती की जाने की भी तैयारी सरकार कर रही है, शिक्षा विभाग कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग इस बार 5,200 शिक्षकों की भर्ती करने वाला है। जाहिर सी बात है, वो अभ्यर्थी जो शिक्षकों की भर्ती के हवाले से इंतजार लगातार कर रहे हैं, उनका इंतजार कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने रूपरेखा रोड मैप तैयार कर लिया है और इस बार नया तरीका भी शिक्षकों की भर्ती के हवाले से अपनाने वाली है सरकार। तो राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं शिमला से। राजेंद्र, शिक्षा विभाग रोडमैप तैयार कर चुका है, कहा यह जा रहा है कि कुछ नया तरीका इस बार सरकार अपनाने वाले, शिक्षा विभाग अपनाने वाला है, सभी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, 5,200 इनकी तादाद है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शिक्षकों का इंतजार अब खत्म हुआ जो काफी दिनों से मुंतजर थे कि उनकी कब भर्ती होगी? बिल्कुल, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था शिक्षकों का, क्योंकि अलग अलग विभागों में बहुत से पद शिक्षकों के खाली है, वो चाहे फिर जेबीटी, टीजीटी, सीएनबी की हो या फिर स्कूल लेक्चर, लगभग सभी में बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। और इसको लेकर अब प्रदेश सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। अब एक कैलेंडर ईयर बनाया जाएगा कि अब जैसे 2024 के अंत तक जितने भी पद खाली होने वाले हैं उन सब का डाटा तैयार करके एक ही बार परीक्षा करवाई जाएगी और उसी परीक्षा से फिर जैसे जैसे पद खाली होते जाएंगे 2024 के अंत तक, वैसे वैसे नियुक्तियां होती जाएंगी, अपॉइंटमेंट लेटर जारी होते जाएंगे। तो एक नया फॉर्मूला प्रदेश सरकार निकालने की तैयारी में है और इसके माध्यम से ही भरा जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अगले 2 सालों में जितने भी पद खाली होंगे उनका ब्यौरा भी अधिकारी पहले से अपने पास एकजुट कर ले और फिर उस हिसाब से एक ही बार परीक्षा करवाई जाएगी और उसी से फिर उनकी भर्ती की जाएगी। दरअसल बार बार परीक्षा करवाने से जहां परीक्षा बोर्ड के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है, वहीं पिछले दिनों पेपर लीक की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में आज जिस प्रकार से बढ़ रही है, उससे बचने का भी एक तरीका निकालने की। क्या सीमा कुछ तय की गई है कब शिक्षकों की भर्ती के हवाले से नोटिफिकेशन जारी होगा? राजेंद्र, इसमें ऐसा ना अभी थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि डाटा इकट्ठा करने के लिए अभी अधिकारी समय लग सकता है, डाटा इकट्ठा करने के लिए सरकार को समय की दरकार है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी